सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई है और गर्मियों में जो मेरे पीछे देख रहे हो कूलर की बहुत सारी डिमांड रहती है। तो काफी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कूलरों का, ठीक है। कोई चाहता है अपनी शॉप खोले, कोई चाहता है डीलरशिप करें। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ साइमन कंपनी की फैक्ट्री में, जहाँ पे ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ से आपको ये सारे कूलर हैं वो काफी सस्ते रेट पे मिल सकते हैं। तो वीडियो को मैं करूंगा स्टार्ट और सारी चीजें मैं आपको दूंगा, नॉलेज दूंगा कूलर्स के बारे में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से। तो देख सकते हो मेरे सामने जो कूलर रखे हैं साइमन कंपनी के, ठीक है। सारे आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, ठीक है। 50 से प्लस मॉडल हैं, ठीक है, और छोटे बड़े सारे इंचेस के हर तरीके के आपको यहाँ पे कूलर मिल जाते हैं। ऐसी इस साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पीछे भी आपको काफ़ी सारे मॉडल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं भैया जो यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ के जो मेरे को वीडियो में बताने वाले हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या होने वाली है, किस टाइप से इस कूलर को डिफाइन किया जाता है। तो ये वीडियो को बनाने वाले भैया हमारे साथ हैं, हमारे साथ इन यही बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो भैया आप अपना नाम बताइए और इस वक्त। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप आए हैं साइमन की फैक्ट्री में। यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं और बाकी आपको बताएंगे। देखो तो भाई, देख सकते हो डिफरेंट मॉडल है साइमन कंपनी के कूलर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सुनील भैया हमारे साथ है। सुनील भैया स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है, शुरुआत में। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सुनील भैया ये बताइए इस कूलर के बारे में, जो आप सबसे पहले कूलर दिखाने वाले हो, इसके क्या क्या स्पेसिफाई चीजें हैं, मतलब किस टाइप से इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? सबसे पहले तो देख सकते हो इसका मॉडल नंबर होने वाला है 2144। इसका मॉडल नंबर है, मतलब जिस किसी को भी ये मॉडल पसंद आ रहा है वो इस मॉडल का नाम बता दे तो आसान होगा मॉडल को चॉइस करना। ये होने वाली है कि इसमें एक आइस चैम्बर भी मिलेगा आपको। इसमें आइस चैम्बर मिल जाता है एक, और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो पीछे इसमें कौन सा पैड लगे हैं? ये वाले हेलीपैड है, हनीकॉम पैड लगे हैं, ठीक है। और इसका टैंक का जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी? 90 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो दूसरा मॉडल आपको देख सकते हो सामने है, ठीक है, ये नया बता रहे थे भैया कि नया आया है, तो इसके बारे में क्या था? इसमें भी एक आइस चैम्बर मिलेगा, आइस चैम्बर मिल जाता है इसमें, ठीक है। नया मॉडल है, मॉडल नंबर 2131 है, ठीक है, नेक्सॉन टावर कहते हैं इसे, और इसकी डिमांड भी बहुत आ रही है, इसकी डिमांड भी बहुत आ रही है, ठीक है। देख सकते हो एक और मॉडल है यहाँ पे मेरे सामने, ठीक है, ये भी भैया ने बताया कि नया आया है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 48 इंच है, ठीक है, 90 लीटर का इसका टैंक है। और क्या बता रहे थे आप, इसके जो टायर आपने नई वाले लगवाए हैं, ये चौड़े मतलब बड़े हैवी टायर लगाए हैं, जिससे जो आसानी से ही आप पानी डाल के इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मोटर बता रहे थे 110 की मोटर है, कौन सी वाली मोटर लगी है? ये कंपनी का नाम यहाँ पे साइमन है, देखिए वही जो ब्रांड की है तो ब्रांड के हिसाब से मोटर है, ठीक है, 110 की आपको यहाँ पे मोटर मिल जाती है, ठीक है। इसका प्राइस, सारी चीज़ें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको क्योरी है वो नंबर मेंशन है, उस पर आप जाके कॉल कर सकते हैं। वॉनिल भैया इधर आना, देख सकते हो मैं, इन्होंने बाहर भी काफ़ी सारे ये मॉडल रख रखे हैं, ठीक है। ये वाला ब्लोअर में, ठीक है, ये वाला ब्लोअर में कूलर हो जाता है। मैं सारे कूलर दिखा देता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। प्राइस की जो भी बात है वो आप फ़ोन नंबर पे कर लेना, ठीक है। मैं आपको फिलहाल कूलरों के मॉडल दिखा देता हूँ जो भी नई नई डिज़ाइन में आई है, ठीक है। और कुछ कूलर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी हाइट के, छोटी हाइट के कूलर, ठीक है, अलग अलग बहुत सारी डिज़ाइन है, ठीक है। जिस किसी को भी कूलरों का काम शुरू करना हो वो कॉन्टैक्ट कर ले इस नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर मैंशन है। सो गाइस, देख सकते हो सामने मेरे, अभी मैं इधर आया था नेक्स्ट रूम में, तो इधर और भी स्टॉक रखा है यहाँ पे ना, कमर्शियल कूलर को स्टॉक रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले मॉडल भी आप देख सकते हो पीछे भी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले से, ठीक है, काफ़ी बड़ा कूलर है। तो भैया क्या कैपेसिटी है इसकी, कौन सा पंखा मोटर लगी है इसमें और कितने इंच का इसका हनी पैड होने वाला है, कुछ बताइए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो टैंक है, ये है 125 लीटर का, 125 लीटर का टैंक है, यहाँ पे पानी इसका भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पानी भर सकते हैं। क्या मटेरियल में बना हुआ है ये है सारा प्लास्टिक पे, और ये प्लास्टिक में बना हुआ है, ठीक है। उसके पीछे जरा मैं देखूँ तो पीछे कौन सा, ये पीछे देख सकते हो इतना बड़ा जो हनीकॉम पैड कहते हैं ना, हनीकॉम पैड लगा हुआ है, ठीक है। तो और इसके नीचे जो टायर है वो किस टाइप के टायर रहेंगे, मजबूत रहेंगे ना? बिल्कुल मजबूत है, देख लीजिए आप, जैसे
हाँ ये इसे लॉक भी कर सकते हैं, लॉक और अनलॉक का है। ठीक है, ये हो गया कमर्शियल कूलर हो गया। ठीक है, दूसरा कूलर आप देख सकते हो, ये छोटा कूलर है। ठीक है, ये भी प्लास्टिक में है, साइमन कंपनी का है, 3 स्पीड इसमें भी बता रहे थे। ठीक है, एक ये कूलर हो गया, एक आप में ब्लैक में देख सकते हो। ठीक है, अगर जिस किसी को भी कूलर का बिजनेस शुरू करना है और वो आना चाहता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से लेना चाहता है, ठीक है, वो साइमन कंपनी में आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मॉडल है। अब देखो मेरे सामने एक और ये वाला भी रखा है, स्टिक काफ़ी अच्छी प्लास्टिक लग रही है, प्योर प्लास्टिक, प्योर प्लास्टिक। इसमें देखो ये हनीकॉम है शायद, है ना जी, आइस चैम्बर, अच्छा आइस चैम्बर कहते हैं इसे, सॉरी। तो ये आइस चैम्बर है, इसमें आइस डाल सकते हो और इसमें भी शू टायर लगे हैं। इसमें गियर लॉक वाला भी, ये कितने लीटर का होगा, 125 लीटर का ये है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 4 हनीकॉम पैड लगे हैं इसमें, नहीं एक ही लगा है, बल 3 साइड है। ठीक है, और दूसरा एक ये वाला मॉडल है, ये है 21 बावन है। ठीक है, ये दोनों उससे कंपेयर में साइज़ में छोटे हैं लेकिन सेम ही है, बस डिज़ाइन का फ़र्क है वैसे। ठीक है, इसका भी 125 ही होने वाला है, 125 होने वाला है टैंक लीटर। तो देख सकते हो सामने ये दोनों कूलर है। तो भैया इसमें, इन दोनों में और ये वाले कूलर में कौन कौन सी मोटर लगी है ये बताइए। इन दोनों में लगी है 110H है, और इस वाले में, और इसमें लगी है एच फ्रेम की मोटर, एच फ्रेम की मोटर, ये हाई वाली मोटर है ना। ठीक है, ये कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बताइए। जो डीलर होते हैं वो जुड़ सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी और डीलर लोग ले सकते हैं। ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी जल्दी जो कांटेक्ट कर लेगा उसको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, वरना सीज़न के मिड में तो आप ऐसे लोग ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारे पीसीज दिखा देता हूँ। ठीक भैया की देख सकते हो, ये कैटलॉग हो जाती है साइमन कंपनी की, तो भैया दिखाना खोलकर। तो सारी इन्फॉर्मेशन कूलर के बारे में जो भी है ये आपको PDF के रूप में दे दी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये WhatsApp पे आपको PDF के रूप में दे दी जाएगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे, कूलर की कैपेसिटी। ठीक है, जिस किसी को भी चाहिए मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा नंबर, तो भैया के पास आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, लोगों को जिसको भी ज्वाइन करना है, इस बिज़नेस से स्टार्ट करना है, कूलर का अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भैया की कंपनी है साइमन के नाम से। ठीक है, एड्रेस सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.